हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के टॉपिक में जो हम स्टार्ट करने लगे हैं बैक्टीरियोफेज, उससे पहले आप फिग नंबर 1.2 में स्मिटियोपायरोसिस देख सकते हैं। ये कैप्सोमेयर है, ये वर्टेक्स है, किसका आप देखें, स्पाइरल कॉइल ऑफ आरएनए है ये कैप्सोमेयर, और जो नीचे है हमारे पास अक्यूबिक वायरसेस है, ये क्यूब शेप है, ये इसके कैप्सोमेयर्स हैं, इनके यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स आपस में अरेंज होकर क्या बना देंगे, कैप्सोमेयर। और ये मॉर्फोलॉजी ऑफ एडिनोवायरस दिखाई गई है, पॉलीहेड्रल वायरसेस, इसकी पॉलीहेड्रल टाइप तो शेप है, पेंटोज बेस पेंटोन है और ये हेक्सोन है। ये तो थी सिमेट्री ऑफ वायरसेस। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं बैक्टीरियोफेज। सिस्टमेटिक पोजिशन बैक्टीरियोफेज की डिवीजन क्या है, वायरा सब डिवीजन, डीऑक्सी वायरा क्लास डी, ऑक्सी बाइनेला ऑर्डर वायरलीज, सब ऑर्डर फैगनीज, नेम बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। दे वर डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉट इन इंग्लैंड इन 1950 एंड बाय फ्लेक्स डी हेरेले एट द पास्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस इन 1917। अब ये डिस्कवर इंडिपेंडेंटली किए गए साइंटिस्ट फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉट इंग्लैंड में थे 1915 में, और एफ डी हेरेले ने जो पास्चर के इंस्टीट्यूट में पेरिस में 1917 में। द टर्म बैक्टीरियोफेज वॉज क्वाइंड बाई डी हेरेले विच मीन्स बैक्टीरिया ईटर। अब ये जो टर्म बैक्टीरियोफेज है ये किन्होंने क्वाइन की थी, डी हेरेले ने, जिसका मतलब है बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया, फेज मीन ईटर। बैक्टीरियल वायरसेस आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। अब जो बैक्टीरियल वायरसेस हैं ये नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फेजेस एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया, और जो फेजेस हैं ये ऑलमोस्ट तमाम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, लाइक ऑल वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर सराउंडेड बाय प्रोटीन कोर द कैप्सिड मेड ऑफ सब यूनिट्स द कैप्सोमेयर्स। तमाम वायरसेस की तरह जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये भी न्यूक्लिक एसिड जो कि सराउंड हो रही है प्रोटीन कोट के थ्रू, द कैप्सिड मेड ऑफ सब यूनिट। अब जो कैप्सिड है ये सब यूनिट्स से मिलकर बना है जिनको कहते हैं कैप्सोमेयर्स। अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ टी इवन फेज का अल्ट्रास्ट्रक्चर देखें तो टी इवन कॉलियोफेज इज टैडपोल शेप्ड, इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड एंड अ टेल। जो टी इवन कॉलियोफेज है ये टैडपोल शेप्ड है और ये कंसिस्ट कर रहा है हेड और टेल पे। हेड, द हेड इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बाई पायरामाइडल। जो हेड है वो बाई पायरामाइडल शेप का है, हेक्सागोनल प्रिज्म टाइप है। द हेड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन्स इन कॉजिंग अ कोर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए। जो हेड है ये कंसिस्ट कर रहा है प्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन पे जो इनक्लोज हो रही है कोर में, किसके, डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए के। टेल, द टेल इज सिलेंड्रिकल अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द हेड। द टेल इज मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स। जो टेल है वो सिलेंड्रिकल है और अटैच कर रही है एक एंड ऑफ हेड पे, हेड के एक एंड से। जो टेल है ये फोर कंपोनेंट से मिलकर बनी है। इट इज सेंट्रल हेलिकल होलो ट्यूब और कोर थ्रू विच वायरल डीएनए पासिस ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अब ये सेंट्रल हेलिकल होलो ट्यूब है और कोर है जो कि क्या कर रही है, वायरल जो डीएनए है वो पास हो रहा है इन्फेक्शन के दौरान। द कोर इज सराउंडेड बाय हेलिकल प्रोटीनिशियस शीथ। जो कोर है ये किस के थ्रू सराउंड हो रही है, हेलिकल प्रोटीनियस शीथ में। द शीथ इज कनेक्टेड टू अ थिन डिस्क और कॉलर एट द हेड एंड। जो शीथ है ये कनेक्ट कर रही है थिन डिस्क पे और कॉलर जो है वो हेड के एंड पे। द डिस्टल एंड ऑफ द शीथ इज कनेक्टेड टू द हेक्सागोनल बेसल प्लेट। जो डिस्टल एंड है शीथ का वो कनेक्ट कर रहा है हेक्सागोनल बेस प्लेट पे, विच इज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। द प्लेट हैज़ अ पिन एट एवरी कॉर्नर, और जो प्लेट है उसके पास पिन है हर कॉर्नर पे। द प्लेट अलॉन्ग विद इट्स पिन इज कनेक्टेड टू सिक्स लॉन्ग थिन टेल फाइबर्स विच आर द ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट टू द वॉल ऑफ द होस्ट सेल। जो प्लेट है उसके साथ जो पिन्स हैं ये कनेक्ट कर रही हैं सिक्स लॉन्ग थिन टेल्स फाइबर्स को, जो कि अटैचमेंट का काम देती हैं होस्ट के वॉल पे, सेल वॉल पे। फिग 1.3 में आप देखें मॉर्फोलॉजी ऑफ टी इवन बैक्टीरियोफेज वायरस, हमने सबसे पहले देखा, उस सबसे ऊपर आप देखें प्रोटीन शीथ है
और इसके अंदर इसका डीएनए है, इसका हेड है, ये पार्ट पार्ट हेड पार्ट में प्रोटीन शीट और डीएनए आ जाता है। इसके बाद आप नीचे कॉलर देखें, कॉलर के बाद ये कोर है, फिर प्रोटीन शीट है और ये एंड प्लेट्स हैं, और एंड में क्या है, सिक्स टेल फाइबर्स जो अटैचमेंट का काम देंगे। अब टेल फाइबर को दिखाया गया है, इसका हेड है, ये इसकी टेल है, ये इसकी एंड प्लेट है, और हेड को देखें आप, एंड प्लेट को देखें, कॉलर हर पार्ट को सेपरेटली दिखाया गया है, ये प्रोटीन शीट है और ये टेल फाइबर्स। तो ये कंप्लीट क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ टी इवन बैक्टीरियोफेज वायरस। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, अब हम बैक्टीरियोफेजेस की टाइप्स देखेंगे। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियो वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस की दो मेन टाइप्स हैं, लाइटिक और वायरुलेंट फेजेस एंड टेम्पलेट और एवायरुलेंट फेजेस। नंबर वन पे लाइटिक और वायरुलेंट फेजेस, दीज आर द फेजेस दैट डिस्ट्रॉय देयर होस्ट बैक्टीरियल सेल आफ्टर इन्फेक्शन। अभी वो फेजेस हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं होस्ट बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन के बाद। दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस। अब ये रिप्रोड्यूस करेंगे सेल के अंदर ही और प्रोड्यूस करेंगे लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस। द होस्ट सेल बर्स टू रिलीज न्यू फेजेस विच इन्फेक्ट अदर बैक्टीरियल सेल्स। अब जो है होस्ट सेल बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, रिलीज करेगा न्यू फेजेस को जो इन्फेक्ट करेंगे दूसरे बैक्टीरियल सेल्स को। दे एग्जिबिट लाइटिक साइकिल, और इनके पास कौन सा साइकिल है, लाइटिक साइकिल। एंड द नेक्स्ट टाइप इज टेम्पलेट और ए वायरुलेंट फेज, दीज आर द फेजेस डू नॉट हार्म एंड डिस्ट्रॉय द होस्ट बैक्टीरियल सेल। अब ये वो फेजेस हैं जो हार्म नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे होस्ट बैक्टीरियल सेल को। द वायरल न्यूक्लिक एसिड इज कैरीड एंड रेप्लिकेटेड इन द होस्ट बैक्टीरियल सेल्स विदाउट एनी डैमेज फॉर मैनी जनरेशंस। अब क्या है, वायरल न्यूक्लिक एसिड जो है ये कैरीड कर रहा है और रेप्लिकेट कर रहा है होस्ट बैक्टीरियल सेल में कोई भी डैमेज और के बगैर जनरेशंस तक। However, temperate phages may spontaneously become virulent at some subsequent generation and lyse the host cells. For example, exhibit lysogenic cycle. अब क्या होगा कि जो temperate phages हैं ये खुद ही क्या हो जाएंगे, virulent बन जाएंगे किसी भी generation पे, subsequent generation पे, और lysis start हो जाएगी, bursting of host cell start हो जाएगी और ये exhibit कर देंगे lysogenic cycle. तो आज के टॉपिक में इतना ही। कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।